और हमने एक डेमो पेज भी क्रिएट कर लिया, लेकिन यार हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि हम पैसे कमाएंगे कैसे। तो अब देखो मैं बताता हूँ कि पैसे तुम कमाओगे कैसे, ठीक है। अभी देखो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो यहाँ पे 40,000-20,000 नहीं, वो यहाँ पे लाखों लाख रुपए पैसे कमा रहे हैं यार, धन धनाधन पैसे छाप रहे हैं, ठीक है। तो तुम भी छाप सकते हो, कैसे आ जाओ समझते हैं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज इन 2023, यानी कि फेसबुक पेज बना के कैसे 40,000 रुपये हम कमा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है कि फेसबुक पेज बना के 40,000 रुपये कमाए। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, 40,000 तो क्या 40,000 से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कैसे? तो इस वीडियो में मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको सुनना है एंड स्टेप्स को फॉलो भी करना है, ठीक है। तो आ जाओ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, बट अगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो इस वीडियो को पूरे प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अभी हम एक फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, इसके लिए तुम्हें अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। तो देखो यहां पे जो है मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आ चुका हूं। उसके बाद तुमको यहां पे 9 डॉट दिख रहा है छोटा छोटा, ठीक है। बेसिकली ये एक मेन्यू है, इस पे क्लिक करो एंड उसके बाद यहां पे पेज का एक सेक्शन दिख रहा है, सिंपली से यहां पे क्लिक करो। उसके बाद देखो तुम्हारे सामने एक डेमो पेज का सेक्शन आ गया है और लेफ्ट साइड में जो है उसका फॉर्म आ गया है। लेफ्ट साइड में जो भी तुम फिल करोगे वो सारा यहां पे डेमो पेज में दिखाई देगा। तो चलो अब हम यहां पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेज नेम। तो पेज नेम में कुछ भी तुम अपना नाम लिख सकते हो, जो भी तुमको पेज का नाम लिखना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है अपना बॉस, ठीक है। उसके बाद नीचे है ऑप्शन कैटेगरी का, ये किस कैटेगरी में बनाना चाहते हो, एजुकेशनल है, कोई प्रोडक्ट है या टेक्निकल कोई चीज़ है, जो भी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। बेसिकली ये जो है डेमो बना रहा हूँ मैं तुम्हें बस सिखाने के लिए, ठीक है। और नीचे है बायो। अब बायो में क्या करना है, अगर तुम्हारा कोई दुकान है, शॉप है, बिजनेस है, या फिर तुम कोई क्रिएटर हो, तो तुम अपने बारे में लिखो कि ये पेज क्यों बना रहे हो और तुम्हारे पेज में तुम क्या करने वाले हो और लोग क्यों तुम्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बायो में मैंने लिख दिया है बेसिकली दिस इज अ एजुकेशनल पेज। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन तुमको दिख रहा है क्रिएट पेज का, सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो गाइस यहाँ पे जो है 5 स्टेप्स आ गया है, इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेमो पेज में जो भी हम कंप्लीट करते जाएंगे वो सारा यहाँ पे भी ऐड होता जाएगा। बेसिकली ये डेमो है, कैसा पेज दिखेगा वो यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहला जो है स्टेप है उसमें है यहाँ पे वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल है, कोई वेबसाइट है, जो भी है, तुम उसका लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, जिस भी सोशल मीडिया से यहाँ पे तुम अपना ट्रैफिक या फिर ऑडियंस को लाना चाहते हो उसका लिंक यहाँ पे डाल देना। उसको नीचे फ़ोन नंबर है तो डालना है तो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद गाइस नीचे यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है। अब ये किन लोगों के लिए है, अगर तुम्हारा कोई शॉप है, कोई दुकान है और आप तुम चाहते हो फेसबुक पेज के थ्रू लोग तुम्हारे दुकान तक पहुँचे, तो तुम अपना एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो। सब कुछ पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना। एंड यहाँ पे दुकान वालों के लिए एक चीज़ और अच्छा है यहाँ पे आवर्स, कि कितने बजे से कितने बजे तक तुम्हारा दुकान खुला रहता है। अगर तुम एक क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम ऑलवेज ओपन कर दो क्योंकि तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सेलर है, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके इंपैक्ट करता है उनको, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चूज कर लेना। तो मैंने यहां पे ऑलवेज ओपन कर दिया है। उसके बाद सिंपली से यहां पे नेक्स्ट कर दो। अब हम आ गए हैं स्टेप 2 पे। अब यहां पे क्या कह रहा है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर और नीचे ऐड कवर फोटो। अगर तुमने पेज बनाने का सोच लिया है तो पहले तुमको प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो जो है पहले से तुमको रेडी करके रखना होगा, क्योंकि तुमने को यहां पे अपलोड करना होगा। अगर नहीं भी करोगे तो तुम बाद में भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली एक डेमो में तुमको अपलोड करके दिखा देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। तो मैंने ऐड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। अब यहाँ पे चूज़ करने के लिए कह रहा है कि कोई भी पिक्चर एक जो है यहाँ पे पिक कर लो। तो देखो यहाँ से मैं अपने सिस्टम से कोई भी एक रैंडम पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला पिक्चर मैंने ले लिया है एंड इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये एक गेम का पोस्टर है, तो ये यहाँ पे इसका प्रोफाइल बन गया है, ठीक है। इसी तरह से कवर फोटो भी तुम लगा सकते हो। इसके ठीक नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड बटन का। अब बेसिकली ये क्या है, तुम जब किसी प्रोफेशनल में या किसी दूसरे वेबसाइट पर गए जाते होगे तो तुमने देखा होगा पेज पे रहता है लिखा फॉलो, कॉल नाउ, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, वॉच नाउ। तो अगर तुम्हारा YouTube चैनल है तो तुम वहाँ पे वॉच नाउ लगा सकते हो, उस पर लोग क्लिक करेंगे तुम्हारे YouTube वीडियोस को पे चले जाएंगे। अगर तुम किसी को कोई साइनअप करवाना चाहते हो तो साइनअप लगा सकते हो। जो भी तुम चाहो अपना बटन लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम नेक्स्ट कर दो। अब देखो हम यहाँ पे स्टेप 3 पे आ गए हैं।
अब अगर तुम्हारा यहाँ पे बिजनेस है तो तुम अपने बिजनेस में व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, व्हाट्सअप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर तुमसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली से यहाँ पे कंट्री कोड चूज़ कर लो, तुम जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री का कोड यहाँ पे चूज़ कर लो एंड उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो। उसको जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा। सिंपली से यहाँ पे डाल के उसको कंफर्म कर देना यानी वेरीफाई कर देना, देन उसके बाद यहाँ पे तुम नेक्स्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे चौथा स्टेप पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे कह रहा है बिल्ड योर पेज ऑडियंस, अपना एक ऑडियंस बनाओ, ठीक है। तो खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पांचवा स्टेप है। अब पांचवा स्टेप में क्या कह रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, पेज नोटिफिकेशंस ऑन योर प्रोफाइल, यानी कि पेज का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो तुम्हारे प्रोफाइल पे आएगा। इसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है तुम अपने हिसाब से कर लेना। एंड यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, अगर इसका तुम्हारे पेज के रिलेटेड कोई भी प्रमोशनल या कोई मार्केटिंग का कोई भी ईमेल आएगा तो तुम्हारे ईमेल पे चला जाएगा। क्या तुम इसको इनेबल करना चाहते हो या फिर डिसेबल करना चाहते हो, या तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। तो गाइस देख सकते हो कि सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे पूरा पेज का जो ओवरव्यू है, अपना बॉस जो पेज मेरा है उसका ओवरव्यू पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो है एक पॉपअप आया है जहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू योर न्यू पेज, ठीक है, और नीचे है टेक टूर। जैसे टेक टूर पे क्लिक करोगे तो ये तुमको इंस्ट्रक्शन देगा कि किससे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तुम नए हो तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देगा, तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करके सब समझ लेना, ओके। उसके बाद अब एक चीज तुम सोच रहे होगे गाइस कि यहाँ पे ये येलो लाइन क्या है और यहाँ पे लिखा है फेयर, ठीक है। तो देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है हाउ हेल्दी इज योर पेज, यानी तुम्हारा पेज जो है कितना हेल्दी है। इसका मतलब अभी ये फेयर है, एक्सेलेंट नहीं है, ग्रीन नहीं हुआ है। ग्रीन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुमने अपने प्रोफाइल को पूरा सेटअप नहीं किया है। अभी एड्रेस वगैरह हमने मिस कर दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें हमने फिल नहीं की थी। तो देखो यहाँ पे नीचे में बहुत सारा व्हाट्सअप नंबर, ये वो बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है, हमने कवर फोटो भी नहीं लगाया था। इन सभी को यहाँ पे तुमको डालना होगा। जब पूरा प्रोफाइल को जो कंप्लीट कर लोगे, सेटअप कर लोगे, जब जाके तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन होगा एंड एक्सेलेंट होगा, समझ गए। अब दोस्तों तुम सोच रहे होगे यार कि इतने टाइम में तो अभी तक हमने ये देखा कि पेज कैसे बनता है और हमने एक डेमो पेज भी क्रिएट कर लिया, लेकिन यार हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि हम पैसे कमाएंगे कैसे। तो अब देखो मैं बताता हूँ कि पैसे तुम कमाओगे कैसे, ठीक है। अभी देखो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो यहाँ पे 40,000-20,000 नहीं, वो यहाँ पे लाखों लाख रुपए पैसे कमा रहे हैं यार, धन धना धन पैसे छाप रहे हैं, ठीक है। तो तुम भी छाप सकते हो, कैसे आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले कि जब तुम अपने पेज पे कंटेंट पोस्ट करोगे ना, तो लोग तुम्हारे कंटेंट को देखेंगे और उनको पसंद आएगा तो उसको लाइक करेंगे एंड तुम्हारे पेज को फॉलो भी करेंगे। तो तुम्हारे पेज पे जो है 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे है, वो है जब तुम कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट करोगे यहाँ पे, तो तुम्हारे वीडियोस को लोग देखेंगे। जैसे 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट लोग देखेंगे, तो तुम्हारा वॉच टाइम कितना हो गया 5 मिनट का। दो वीडियो है 5 मिनट 5 मिनट का, लोग 5 मिनट 5 मिनट दोनों वीडियो को देखे, तो तुम्हारा वॉच टाइम कितना हो गया 10 मिनट का। इसी तरीके से तुम्हारा 60 दिनों में यानी 2 मंथ में जो है 6,00,000 मिनट वॉच टाइम होना चाहिए और 10,000 जो है फॉलोअर्स होना चाहिए, जब जाके तुम एलिजिबल हो जाओगे अपने चैनल को, अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए। और हाँ, एक और चीज़ कि तुम्हारे पेज पे जो है 5 एक्टिव वीडियोस होने चाहिए, यानी जो 5ों वीडियोस एक्टिव हैं जिन पे व्यूज़ आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। 5 एक्टिव वीडियोस, 10,000 जो है फॉलोअर्स और 60 दिनों में 6,00,000 मिनट का वॉच टाइम। ये तीनों क्राइटेरिया जब तुम फुलफिल कर लोगे तो तुम जो है एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइज के लिए। और जब तुम अपने पेज को मोनेटाइज कर लोगे तो तुम जो है पैसे कमा पाओगे, 10,000-5,000 नहीं तुम लाखों में पैसे कमा सकते हो। ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम कितना मेहनत करते हो अपने पेज के ऊपर और किस तरीके का कॉन्टेंट तुम लोगों को प्रोड्यूस करते हो। तो आई होप गाइस कि तुमको ये पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा कि पेज को बनाते कैसे और पैसे कमाते कैसे है। तो आई होप कि आज ही तुम एक पेज क्रिएट करोगे और अब जो है तुम भी पैसे कमा पाओगे। तो लग जाओ इसमें, अगर पैसे कमाने हैं डिजिटल मार्केटिंग से, अगर तुमको कंटेंट से पैसे कमाने हैं, तो तुम भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। और आई होप कि उम्मीद करता हूं कि तुम भी जो है जल्द पैसे कमा पाओगे। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100%
ट्राई करूंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो तुम्हारे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और हाँ गाइस, सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी तुम्हें पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।